EVAs in our previous lectures. Today we are going to start our chapter number 7. Chapter 7, Plant World. प्लांट वर्ल्ड मतलब पौधों की दुनिया. पौधों की दुनिया, पौधों प्लांट मतलब तो आप सबको पता ही है, पेड़ पौधे जो होते हैं उसको प्लांट्स कहते हैं. उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के पौधे, प्लांट्स देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट वर्ड्स. तो प्लांट वर्ल्ड यानी प्लांट्स जो है वो दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. आप सबको पता है कि ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स. ओके, इम्पोर्टेंट इन द फूड चेन. फूड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड बिकॉज मैनी ऑर्गेनिजम्स ईट प्लांट्स. सो ये जो लेसन है हमारा प्लांट वर्ल्ड, इस लेसन में हम ये यूजेस ऑफ प्लांट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फिर बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इन दिस चैप्टर 7 प्लांट वर्ल्ड वी आर गोइंग टू लर्न दिस पॉइंट्स. फर्स्ट बिग प्लांट्स, सेकेंड स्मॉल प्लांट्स, थर्ड क्लाइंबर्स, फोर्थ क्रीपर्स, फिफ्थ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड लास्ट में यूजेस ऑफ प्लांट्स. ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 171. चैप्टर 7, प्लांट वर्ल्ड. हियर एन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू. सो what is the activity? Look at the pictures and write where we get these things from. मतलब आपको यहाँ पे बॉक्स में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को देख के आपको बताना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है. सबसे पहले कौन सी चीज़ें दी है यहाँ पे, देखो 4 things are given. First of all, picture of an apple. Second is of wheat and rice. The third one is of a flower. And fourth photograph is of a wooden chair. Okay? So, आपको ये सारी चीज़ें देख के आपको बताना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है. The answer is hidden in the jumbled letters given below. नीचे जो बॉक्स के बॉक्स के बाजू में कुछ लेटर्स लिखे हैं, एक उस जिससे एक वर्ड बनता है, लेकिन ये लेटर्स को आगे पीछे कर दिया है. जंबल लेटर्स, जंबल यानी उसका क्रम उल्टा सुलटा कर देना, एक दूसरे के आगे पीछे कर दिया है. उससे आपको सीधा करके एक वर्ड बनाना होगा. जो वर्ड कौन सा बनेगा वही इस एक्टिविटी का आंसर है. तो आप लोग सोचो कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है. हाँ, यस, जैसे कि सबको पता ही चल गया होगा कि एप्पल, फिर ग्रेन्स यानी कि जो ये वीट और राइस, फ्लावर्स, वुड, ये सब हमें कहाँ से मिलता है. वेरी गुड, हमें ये सारी चीज़ें प्लांट्स में से मिलती है. तो इस एक्टिविटी का आंसर है प्लांट्स. सी, आपको इस बॉक्स में ये लेटर्स को, जो जंबल लेटर्स है उसको सीधा करके फिर एक वर्ड लिखना है जो है इसका आंसर, और वो वर्ड आएगा प्लांट्स, PLANTS. ओके, यस. नाउ देर आर डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. देर आर डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास. हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम जब स्कूल जाते हैं, तो रास्ते में
बहुत से प्लांट हमको देखने को मिलते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. उसमें से कुछ प्लांट्स बिग होते हैं. बिग प्लांट्स यानी ट्री जैसे, जिसको ट्री कहते हैं. और स्मॉल प्लांट्स कुछ होते हैं, जैसे कि रोज प्लांट है, फिर तुलसी है, हिबिस्कस है. ऐसे सब जो प्लांट्स है वो स्मॉल रहते हैं. आपने कई जगह पे आप गार्डन में घूमने जाते हो, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे. उसमें कुछ प्लांट्स बिग होते हैं और कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं. तो इस लेसन में हम ये प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट है बिग प्लांट्स. ओके, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स बिग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रीज. यस, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड ये बिग. आपको ये थ्री वर्ड जो है, आपको अपनी नोटबुक में एज अ न्यू वर्ड्स लिखना है 3 times. ओके, यस. क्या बात कर रहे थे हम? बिग प्लांट्स के बारे में. तो दिस आर द बिग प्लांट्स. जो प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, बनियन ट्री, फिर है मैंगो ट्री, और ये है कोकोनट ट्री. ये सारे जो ट्री है, ये सारे जो प्लांट्स है, वो बिग है और स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए इसको ट्री कहते हैं. नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट पेज, स्मॉल प्लांट्स. स्मॉल प्लांट्स. सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग. अंडरलाइन स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग. सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग. दे आर कॉल्ड श्रब्स. श्रब्स के नीचे भी अंडरलाइन करना. स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड श्रब्स, ये 3 words आपको नोटबुक में लिखने होंगे. कुछ स्मॉल प्लांट्स है, जैसे कि तुलसी, मैंने अभी आपको बताया, ये रोज प्लांट है, फिर ये हीना है, हीना यानी मेहंदी का प्लांट जो है. ये सारे पौधे छोटे छोटे होते हैं, जिसको श्रब कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में भी ये तुलसी का प्लांट, ये रोज का प्लांट, और ये है हीना का प्लांट. दीज ऑल आर श्रब्स बिकॉज दे आर स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग. सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड आर वीक. दे कॉल्ड हर्ब्स. कुछ स्मॉल प्लांट्स सॉफ्ट होते हैं, जिसका स्टेम ग्रीन होता है. सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड वीक एंड हर्ब्स. अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स. यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक एज अ न्यू वर्ड 3 times. सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. कुछ प्लांट्स का स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है और वीक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सॉफ्ट स्टेम होता है. तो ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीट, फिर मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्रास. दीज ऑल आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम एंड वीक स्टेम. दे आर हर्ब्स. नाउ हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स. दिस इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट. इट इज कॉल्ड अ ट्री. दिस प्लांट इज ऑफ अ बनियन ट्री.
This is a mango tree. You all know and you all like very much. This fruit. This is coconut tree. We all like to drink coconut water. This is Ashok tree. And this is neem tree. Now examples of small plants. Small plants with soft stem called herbs and small plants with strong stem are called shrubs. So these all are examples of herbs and shrubs. Now our next topic in the lesson is climbers. Some plants cannot grow straight on their own. They need support of a wall, stick or other plants. They are called climbers. कुछ plants ऐसे होते हैं जो अपने आप अपने stem के द्वारा वो straight खड़े नहीं रह सकते हैं। उन ऐसे plant को need support of wall, मतलब उनको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो। दे नीड सपोर्ट ऑफ अ वॉल, स्टिक और अदर प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दीवार का सपोर्ट लेते हैं या स्टिक का सपोर्ट लेके या फिर दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके वो ऊपर आगे बढ़ते हैं, अपने आप खुद से अपने स्टेम्स के थ्रू वो खड़े नहीं रह सकते। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं क्लाइंबर्स, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। Examples, pea yani matar, jo matar ki sabzi bachcho ko pasand hai, hai na? To ye jo matar ka plant hai, wo hai climber. Second one is grapevine. Grapevine is also a climber. Aapne kabhi ye kuch garden mein jo bagiche hote hai, aise grapes ke, to wahan pe aapne aisa प्लांट्स उसका ग्रेप पाइन का देखा होगा जिसको कोई भी सपोर्ट के थ्रू आगे बढ़ाया होता है, वो अपने आप ये प्लांट खड़ा नहीं रह सकता है, उसको कुछ सपोर्ट के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट वन इज मनी प्लांट। मोस्ट ऑफ लोगों के घर पे ये आपको देखने को मिलता है, इंडोर प्लांट है, आउटडोर भी है। लोग अपने घर में ये गमले में कोई भी स्टिक का सहारा लेके ये जो प्लांट है वो आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। ऐसे प्लांट जो है वो ग्रो करने में उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज creepers. Some plants have weak stem. They grow along the ground. They are called creepers. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनका stem weak होता है. Some plants have weak stems. They grow along the ground. मतलब along the ground का मतलब है वो जमीन पे ही उगते हैं. They are called creepers. For example, watermelon. Watermelon is a creeper. Now these are some more examples of climbers and creepers. There are grapevine plant and watermelon plant, also a cucumber plant.